एक फार्मर जो है वो ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकता है। देखो आप लोग फार्मर कर रहे हो, किसी भी टाइप की फार्मिंग कर रहे हो, लेट सपोज आप कर रहे हो बी फार्मिंग कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, गोट फार्मिंग कर रहे हो, गन्ना भी उगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उससे ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हो। जैसे मैं कमा रहा हूँ, अब देखो मेरा कोई फार्मिंग नहीं है, लेकिन मैं फार्मिंग के रिलेटेड जो सामान प्रोडक्ट होता है मैं उसके रिलेटेड मेरा दुकान है, तो मैं उसी का वीडियो बनाकर अपने एक चैनल और इसका नाम क्रिएटिव बातवेयर है वहाँ पर मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ और उससे अर्निंग वगैरह आती है, व्यूज़ भी अच्छा खासा आता है। आपको अगर चेक करना तो जाकर चेक कर सकते हो, क्रिएटिव बातवेयर उस चैनल का नाम है, ठीक है। अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी अब हो चुका है, लगभग 3.5 साल हो चुके हैं मुझे उस चैनल को बनाए हुए, ठीक है। तो और $1,000 से ज़्यादा मैंने उससे पेमेंट भी निकाल ली है, यानी कि 1,00,000 से ज़्यादा। तो आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं पूरा आपको प्लान बताने वाला हूँ, बस आपको करना क्या है कि मेरी बात को अच्छे से सुनना है, समझना है और करने स्टार्ट कर देना है। आपके पास एक फ़ोन है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक 20-25 हज़ार का या 18-15 हज़ार का भी एक फ़ोन है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। उसकी जो कैमरा क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होने लगे तो आप भी एक बढ़िया फ़ोन खरीद सकते हो। जैसे मैंने ये आईफोन खरीदा यूट्यूब की कमाई से ही, ठीक है। और वगैरह मतलब ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ तो उससे भी थोड़ा मोटा पैसा मिलाकर मैंने ये फ़ोन खरीदा हुआ है, और भी कुछ खर्चे हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट है जो मैंने करके रखा हुआ है इसी यूट्यूब पेमेंट से ही। देखो आपको आप करना क्या है, अब आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, कौन सा फार्मिंग कर रहे हो वो आपको पता होगा। लेट सपोज अभी मान कर चलते हैं आप बी फार्मिंग कर रहे हो, मधुमक्खी जो होती है उनकी फार्मिंग वगैरह करते हो, ठीक है, या फिर गोट फार्मिंग भी करते हो, गोट फार्मिंग भी अच्छा खासा चलता है। अगर आप यूट्यूब मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, आप जाकर अभी वीडियो को ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना, उसको नीचे करो और जाकर सर्च करो यूट्यूब पर बी फार्मिंग या गोट फार्मिंग, आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे जिन पर मिलियंस में व्यूज़ हैं। और अगर 1 मिलियन व्यूज़ आपके एक वीडियो पे आ जाते हैं, आप सब्सक्राइबर भी अच्छा खासा पा जाओगे, आपका जो मोनेटाइजेशन है वो भी ऑन हो जाएगा। और एक बार मोनेटाइजेशन ऑन हो गया उसके बाद मिलियंस में व्यूज़ आने लगे, आप घर बैठे आराम से लाखों रुपए कमा सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फार्मिंग बिजनेस छोड़ के इस पर आ जाओ, अब फार्मिंग बिजनेस भी आपको करना है और उसी फार्मिंग बिजनेस के थ्रू आपको पैसा कमाना है। अब करना क्या है, अब सुन लो ध्यान से। लेट सपोज आपका गोट फार्मिंग का बिजनेस है, आप गोट फार्मिंग कैसे किया जाता है, कितना रुपया लगता है, कैसा दवाई उनको लगाया जाता है, कितने दिन तक रखा जाता है, कैसे, सारी चीज़ें आप सभी को पता होगी, ठीक है। मुझे नहीं मालूम है, जो भी मुझे एक अंदाज़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गोट फार्मिंग में कितना सामान लगता है, कितना लागत लगता है, कितना जगह चाहिए, कितने दिन तक उनको रखना होता है, कौन कौन सी बीमारियाँ उनको लग जाती है, जैसे कि बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होगी। अब आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पर आना है, और एक जैसे मैं वीडियो बैठ के आपके सामने बना रहा हूँ वैसे आप बना सकते हो, या फिर मेरे क्रिएटिव बात वाले चैनल पर जाओ, वहाँ पर मैं जैसे दिखाता हूँ सामान को कि हाँ ये सामान है, ये इतने का है, ऐसा है, इसके ये फीचर्स है। वैसे आप भी एक वीडियो बनाओ, एक वीडियो वही मतलब हर रोज़ हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार एक वीडियो बनाओ कि यहाँ पर मेरा ये बिजनेस है, इसको ऐसे किया जाता है। अगले वीडियो में फिर ये बनाओ कि इसको ये बीमारी होगी, इसको ऐसे सही कराया गया। मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपके बिजनेस में आप गोट फार्मिंग कर रहे हो, आपके गोट फार्मिंग के बिजनेस में जो जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है डेली टू डेली बेसिस पे, और जो एक स्टार्ट कर एक बिगिनर बंदे को जो आती है वो सारी प्रॉब्लम आप यूट्यूब पर बता सकते हो, लोग आपको देखेंगे, आपको पहचानेंगे, उसका फ़ायदा भी ये होगा कि आपको पैसा मिलेगा। मतलब आप वीडियो बना रहे हो उसका पैसा मिल रहा है, और उसके लिए आपको कोई मेहनत तो करना नहीं पड़ रहा है। आप 5-10 मिनट वीडियो बनाने में कितना समय लगता है, मुश्किल से 15-20 मिनट, उसको एडिट करने वगैरह में, अपलोड करने में 1 घंटे में आप सारा काम कर सकते हो। वही बिजनेस करते करते आप वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड भी कर सकते हो, कुछ खास मेहनत नहीं लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, और पैसा भी अच्छा खासा कमा सकते हो। 3 से 4 महीने में आपको कोई ना कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगा, चाहे आप लिख के ले लो अगर आप अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो, ठीक है। कोई भी फार्मिंग आप कर रहे हो, मैं कहता हूँ आप मछली का भी जो फार्मिंग होता है वो करते हो, कोई भी टाइप का आप गन्ने की खेती करते हो, आप उसमें भी गन्ने की खेत के बारे में बता सकते हो, कैसे खेती की जाती है, सारी डिटेल जो भी होता है उसमें, मुझे इतना जानकारी नहीं है, जो भी चीज़ें खेती में होती है वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे आके बता सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो मेरा काम है कि मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूँ जो कोई आपको नहीं बता रहा, जो आसान है, जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है और उससे आप पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। अभी YouTube पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी कम लोग कर रहे हैं, अगर आप आते हो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बाकी अब आपकी इच्छा, मेरा काम था आपको बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप फार्मर हो तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाओ, नहीं हो तो आपका कोई फ्रेंड होगा फार्मर या फिर कोई रिलेटिव्स हो गए उनको भेज देना ये वीडियो, जिससे कि उनको पता चले, क्योंकि क्या होता है ना फार्मिंग में जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, लोग नहीं इतना कमा पा रहे। उनकी बात मैं नहीं कर रहा जिनके पास बहुत बड़ा लैंड है, जो जिनके पास पहले से एक बैकग्राउंड है वो कमा रहे हैं, लेकिन जो नए फार्मर हैं या छोटे फार्मर हैं उनको नहीं इतनी अर्निंग हो रही है, उनका सिर्फ घर का दाल रोटी चल पा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी का हो, वो और भी अर्निंग बढ़ा सकते हैं उसी सेम मेहनत पे, ठीक है। बाकी
आप जाने, अगर आप फार्मर है तो आप जरूर मेहनत करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस आते रहेगी। और अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाह रहे हो, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाह रहे हो, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।